एवरीवन, इस वीडियो में हम आपको तो दिखाना चाहते हैं कि हम वेबसाइट में हेडिंग को कैसे डेवलप करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे नोटपैड का यूज़ किया है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे डॉग टाइप, ठीक है, HTML। फिर उसके बाद हम लिखेंगे हेड। फिर उसके बाद हम लिखेंगे टाइटल। फिर उसके बाद टाइटल में हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे क्या दें, एजुकेशन, एजुकेशन, ओके। फिर हम क्लोज करेंगे टाइटल को। देखिए, क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो हम इसको क्लोज करेंगे। फिर हेड को भी क्लोज करेंगे। हम HTML को भी लास्ट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर इसके बाद हम बॉडी लिखेंगे, क्योंकि बॉडी में ही हम हेडिंग को लिखते हैं, ठीक है, बॉडी। अब इसमें हम हेडिंग को लिखेंगे, तो हेडिंग हम क्या देना है, H1। फर्स्ट हेडिंग हम हेडिंग लिखते वक्त H1, H2, H3 का यूज़ करेंगे, ठीक है। H1 जो रहेगी उसकी साइज़ बड़ी रहेगी, तो इसमें हम हेडिंग में दे रहे हैं हेलो एवरीवन, Everyone, okay। फिर हम इसको क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद हम बॉडी को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इसको सेव करेंगे कैसे। तो यहाँ पे जो फाइल का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो HTML, ओके। HTML एक नंबर भूलेगा, क्योंकि अगर आप HTML नहीं लिखेंगे तो हमारा जो जो भी आप लिखे हैं वो नहीं करेगा, ठीक है। सेव करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा सेव कहाँ हुआ है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने पहले से एक हेलो बनाया है, ये देखिए हेलो, ठीक है। ये जो है आगे हमारा एवरीवन लिखता है, और ये देखिए जो टाइटल है एजुकेशन, एजुकेशन यहाँ पे लिखा गया। तो अब हम कुछ और राइट करते हैं इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए के बताते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपको H2 कर एक और हेडिंग बनाएंगे H2 करके, ठीक है, H2। फिर इसको क्लोज करेंगे। हम अभी इसमें टेक्स्ट लिखेंगे लास्ट में, देखिए। फिर H3 करेंगे, यहाँ पे। फिर H4 करेंगे, फिर इसको भी क्लोज करेंगे। फिर H5 लिखेंगे, फिर इसको भी क्लोज करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो है हेलो कोई भी टेक्स्ट हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, आपका जैसा मर्जी, आप जो लिखवाना चाहते हैं। पर यहाँ पे हम सिंपली जो है हेलो एवरीवन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, हर जगह, इधर भी। और फिर इसकी हम साइज़ देखेंगे, इसकी साइज़ होगी ना, आप देखेंगे कि डिफरेंट होगी, कि जो H1 है उसकी साइज़ बड़ी होगी इन सबसे, और जो H5 है इसकी साइज़ बहुत स्मॉल होगी। इसके H1 की अपेक्षा H5 की साइज़ स्मॉल होगी। तो अब हम इसको सेव करेंगे, हम जब भी दोबारा लिखेंगे तो इसको हम दोबारा से इसको सेव भी करेंगे, ठीक है। हम दोबारा से सेव किया, फिर उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसको रिफ्रेश करिएगा, देखिए ये आ जाएगा। देखिए जो हमारा H5 है या हेलो एवरीवन, इसकी साइज देखिए इससे कितनी स्मॉल है, ये स्मॉल होती जाएगी। जैसे ही आप लिखते जाएंगे H5, H6, तो साइज स्मॉल होती जाएगी। और अगर अगर आप जो ये टैग है क्लोज टैग, इसको क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हमने इसको क्लोज नहीं किया, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, तब देखिए हमने सेव किया दोबारा से।